हमको पहले भी कह चुके हैं कि राजद हम लोग से बना है, नवादा में नहीं बल्कि प्रदेश में। हम लोग राजद की बदौलत नहीं, हम लोग जनता की बदौलत है। जो जनता सीएम अपना निर्णय सुनाएगा वो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में आरजेडी जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको हम बता दें श्रवण कुशवाहा को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया था और अब इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो नवादा से निकल के आ रही है, जहाँ पर राजवल्लभ यादव के समर्थक रहे अशोक यादव ने अब चुनावी ताल ठोक दिया है, अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी और ये कह दिया है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नवादा में राजवल्लभ यादव के अगर करीबी हैं, अशोक यादव उनके समर्थक रहे हैं, तो फिर अशोक यादव जब निर्दलीय लड़ेंगे तो ऐसे में श्रवण कुशवाहा जिसे आरजेडी की ओर से टिकट दिया गया है उन्हें भारी नुकसान होगा। अशोक यादव की उम्मीदवारी जब तय हुई उस वक्त हज़ारों की संख्या में भीड़ वहाँ उपस्थित थी। देखिए तस्वीरें जो वहाँ से निकल के आ रही है, कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए मुसीबत तो खड़ी हो ही गई है। अशोक यादव क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग जो सदियों से जो कार्यकर्ता जो जनता हम लोग के परिवार का विश्वास करने का काम किया है, विश्वास को तोड़ने का काम किया है कुछ लोगों के द्वारा, वो चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नवादा के लोग तो भावना के खिलाफ विरोध में नहीं जा सकते, उनकी भावना को बचाने का काम करेंगे। जो इनका जनता का निर्णय होगा आगे हम नहीं। और आगे क्या राजद के साथ आप लोग नहीं रहेंगे, आप निर्दलीय चुनाव? तो राजद नहीं करेगा ना कि राजद क्या करेंगे। अशोक जी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हम तो पहले भी कह चुके हैं कि राजद हम लोग से बना है, नवादा में नहीं बल्कि प्रदेश में है ना। हम लोग राजद की बदौलत नहीं, हम लोग जनता की बदौलत है। जो जनता सीएम अपना निर्णय सुनाएगा वो। आप लड़ने जा रहे हैं, कहा जाता है कि नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ परिवार होता है, ऐसा क्या हो गया कि अचानक फिर से आपको छोड़कर श्रवण कुशवाहा जी को टिकट दे? तेजस्वी यादव जी किसी भावना में आके, गलत आदमियों के भावना में आके ऐसा निर्णय लिए हैं। एक प्रभारी जो है विभूषण का काम कर रहे हैं, जिस तरह से नालंदा जिला को चौपट कर दिया है उसी ढंग से नवादा को भी चौपट करने का काम कर रहे हैं। कुछ लाभ के कारण, चंद लाभ के कारण आज वो गली गली उनको घूमने का काम किया जा रहा है। और हम सतर्क कर देना चाहते हैं कि अगर यही हरकत रहेगा तो नवादा की जनता आपको खेल देगा। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत क्या कर? ना कभी इस पार्टी के सदस्य थे, ना इस पार्टी में कभी रहे हैं। उनका कोई हक अधिकार इस पार्टी में नहीं बनता है। ये पार्टी खड़ा करने का काम हमारे परिवार के लोग किए हैं, इसलिए पहला जो यहाँ की जनता जो हम लोग के साथ भावना जुड़े हुए, जो उन लोग का जो निर्णय होगा वही हम लोग लड़ने का काम। अभी तक बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और छात्र संघ के नेता लोग बहुत सारे इस्तीफा के अतिथि किए हैं, ये चीज़ तो प्रदेश के लोग को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि लोग आज संगठन के लोग इस्तीफा देने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो कहीं गलत भावना में आके डिसीजन लिया, गलत उम्मीदवार में चुन लिया गया है। आज छवि के बारे में पता कर लीजिए, हम लोग पास तो बहुत काम धंधा है, बहुत जगह से इनकम है, तो हम लोग पैसा कुछ कमाए हैं, लेकिन वो बताइए जो 10 साल से किया रहा आखिर ऐसा कौन काम किया? लड़ने का काम किया जा रहा है उसके द्वारा, बहुत सारा घोटाला, चोरी, बालू चोरी और किडनैपिंग तक का धंधा में शामिल व्यक्ति को कभी हम लोग आगे नहीं देंगे। आरजेडी के साथ रहे हैं जी का पहले भी निर्णय हुआ है, पैरा सुख नेता लोग उतारने का काम किया। राजवल्लभ जनता कहीं ना कहीं यहाँ के लोग को, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता जनता के भावना को ठेस पहुँचता है, उसको बचाने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। सत्य सिंह यादव कहते हैं कि जो आरजेडी वाले जो इस्तीफा दे रहे हैं उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। पहले अपना नालंदा जिला कहिए सत्य सिंह यादव जी को बचा लेने के लिए, उसके बाद नवादा में झाँकेंगे, है ना? अपना जमानत बचा ले। तो आपने देखा कैसे आरजेडी ने जब श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया, नवादा से विधान परिषद का चुनाव होना है, फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना नहीं जारी करी गई है, लेकिन अभी से ही जब बागी उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है तो अब समझना ये होगा कि आरजेडी को कितनी चुनौतियों का सामना करना है। क्योंकि आपको बता दें मधुबनी सीट पर पहले ही गुलाब यादव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, ऐसे में जब अशोक यादव भी नवादा से चुनाव लड़ेंगे तो फिर नवादा की सीट पर पेंच फंसेगा, आरजेडी हार की ओर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एनडीए को इससे ज़रूर फायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।